कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई के बीच देश में जल्द ही वैक्सीनेशन का काम शुरू होने वाला है, लेकिन इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन नाम के कुछ ऐप को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए अभी कोई ऐप लॉन्च नहीं हुआ है, इसलिए कोविन नाम के ऐप के झांसे में न आएं। अपनी कोई व्यक्तिगत जानकारी ऐप पर शेयर न करें। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ऐसे ऐप की लॉन्चिंग के बाद पर्याप्त जानकारी के साथ बताया जाएगा। दरअसल खबरें आई हैं कि सरकार की ओर से घोषणा के बाद वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए गूगल प्ले स्टोर से कोविन ऐप डाउनलोड करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद वैक्सीन कहां लगना है कैंप की जानकारी दी जाएगी, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये चेतावनी दी गई है। इधर ऐप को लेकर सोशल मीडिया पे तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। ऐप को लेकर कई तरह के मीम भी देखने को मिले हैं। वहीं कोविड शील्ड और कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की अनुमति मिलने के बाद देश बेसब्री से टीकाकरण कार्यक्रम का इंतजार कर रहा है। टीकाकरण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन काफी खुश हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुरुवार को राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन वैक्सीन वितरण को लेकर राज्य सरकार की तैयारियों की जानकारी लेंगे। कल 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। इस बैठक में वैक्सीन की आधारभूत तैयारियों की समीक्षा होगी। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।